कैसा प्यारा नारा है ये। यहाँ पर ये जूस के क्रेट्स पड़े हुए हैं, ये सारे जूस हैं, इसके अंदर बर्फ डाल के रखा हुआ है इसके अंदर ताकि ठंडे हो सकेंगे। और यहाँ पर पानी की बोतलें हैं ड्रम के अंदर, ये थोड़े सेब वगैरह, ये फर्दर जूस वगैरह और भी हैं। और खाने का सामान जो कि हमारे पास तकरीबन कोई 300 रोल पराठे हमारे पास हैं, तो कि नीचे इसमें के अंदर भी हैं और सारी पानी की बोतलें ये, और इसके अंदर कुछ पैटीज वैटीज वगैरह हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और अभी जो है ना, आज 20 सफ़र है और हम लोग जा रहे हैं अरबैन वॉक के लिए। अरबैन वॉक का असल में सिलसिला ऐसा है कि जो लोग यहाँ पर करबला में जाते थे, वो नजब से करबला तक पैदल चलते थे, उसको बोलते थे हम लोग अरबैन वॉक। तो अब जो लोग वहाँ पर नहीं जा सकते, तो उन आज से 3-4 साल पहले से यहाँ पर उन्होंने शुरू किया अरबैन वॉक। तो रात को जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत सामान ले आए थे, इसकी अभी आप वो क्लिप देख लोगे। तो हम लोग जा रहे हैं वहीं पर एक बाल टाउन, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी मशीन। सो लेट्स गो। हाँ, तो फाइनली अभी जो आप ट्रक देख रहे हो, सारा सामान इसके अंदर है और हम लोग ये इसको साथ अपने मशीन के साथ लेके चलेंगे। मशीन मीन द अरबैन वॉक वी आर डूइंग टुडे, ठीक है। तो ये सारा सीन है, अभी मैं सामान दिखाता हूँ क्या क्या सामान है इसके अंदर, और लेट्स गो इनसाइड। तो ये हम चल चुके हैं इसके ऊपर, और ये देखो यहाँ पर ये जूस के क्रेट्स पड़े हुए हैं, ये सारे जूस हैं, इसके अंदर बर्फ़ डाल के रखा हुआ है इसके अंदर ताकि ठंडे हो सकेंगे। और यहाँ पर पानी की बोतलें हैं ड्रम के अंदर, ये थोड़े सेब वगैरह, ये फर्दर जूस वगैरह और भी हैं। और ये सारा इस तरह का सामान है, ये हमारे स्पीकर सेट वगैरह लगे हुए हैं जिस पर नोहे वगैरह लगेंगे। और ये सारा हमारा एम्पलीफायर, ये खाने का सामान जो कि हमारे पास तकरीबन कोई 300 रोल पराठे हमारे पास हैं, तो कि नीचे इसमें के अंदर भी हैं और सारी पानी की बोतलें ये, और इसके अंदर कुछ पैटीज वैटीज वगैरह हैं। तो ये सामान है सारा, और या एजेंसी बोतलें हैं माशाल्लाह। और बस यही है कि यार, जो लोग अरबैन मशी करते हुए कब बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, और काइंड ऑफ पर्सन को सर्व कर सकें हम लोग, और इस काम में थोड़ा सा अपना भी बता कर सकें। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। लेकिन एक मसला हो गया कि बारिश हो ना, बादल बहुत ज्यादा आ रहे हैं और आसमान बिल्कुल इस वक्त काला घटा हो चुका है, और बारिश बहुत बहुत तेज आने वाली है। और अभी 12 बज रहे हैं और ये अभी मशीन स्टार्ट हुई है, तो बस दुआ करते हैं कि यार बारिश ना हो, या जिस तरह भी हो जो बेहतर हो उसमें, लेकिन बारिश होना थोड़ा बेहतर लग नहीं रहा, क्योंकि सारा सामान पीछे यहाँ पड़ा हुआ है हमारे पास, सारा खाने वाला सामान है, पीने वाला, जो पीने वाले सामान ही खैर है, लेकिन जो ये स्पीकर वगैरह हैं और जो सारे खाना पीना जो ज़ायरीन के लिए सारा खाना है, वो सारा खराब हो गया। मैं डर था वही हुआ, बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो चुकी है। और भाई बताओ क्या सीन है भाई, तिरपाल डाल दो साइड पे करके, ट्रक बारिश होने वाली है। आपने सुना है कि हमारी काफला सलार कहेंगे, डाल दो मेरा भाई, बाप ने हटा लेंगे। तो अब देखें तिरपाल डालते हैं, फिर अल्लाह के फसलों करम से अगर कुछ बचत होगी तो इंशाल्लाह। ये हमारे सेकंड कैमरा मैन, जो सेकंड शॉट मिलेगा आपको इस कैमरे से मिलेगा। तो यार रुके, इसलिए हम लोग तरपाल डाल रहे हैं इसके ऊपर, ताकि पानी जो है ना उसके ऊपर ना आए। मैं उतरता हूँ एक मिनट नीचे। हाय ऊपर से कवर करने लगे, ताकि जो है ना बारिश का पानी ना अंदर सामान पे ना जाए, स्पीकर वगैरह पे ना आए। योली 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 योली।
ये मर जाना ये सुन ये मेरा बाबा है अली जानम अली अली जानम अली अली बोल अली को अली अली उल्ला हयातुल्ला अली अमीरुल मोमिन तकसीम करने के बाद अभी हम लोग चल रहे हैं गामिशा वाली रोड पे, सॉरी अभी बागदावन वाली रोड पे तकसीम ऑलमोस्ट हो गए हैं। बस हमारा वो आगे जा रहे हैं, मैं थोड़ी सी वॉक कर रहा था अभी, उसके आगे दोस्तों क्लिप्स लिए हैं और ये आज के इस तरह। इसके बाद हम लोगों ने जाना है गामिशा और ये सीन चल रहे हैं अभी। देखिए बस क्या चलते हैं आगे, ट्रक बहुत आगे निकल कर मुझे भागना पड़ेगा पर ना मैं यहीं पर रह चुका हूँ। लोग चलते हैं आगे अपनी कंप्लीट कर ली है और हम लोग यहाँ जाएंगे पहले बाग दामन। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने जाना है गामिशा और उसके बाद फिर ये इख्तिताम पसीर होगा मगरिब के टाइम तक, फिर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे सारे अपने घर। तो यहाँ से फिर हम लोग पहले आएंगे बीजू बाग दामन, देन उसके बाद हम लोग देखते हैं फर्दर सीन जो तब ग्रुप बचा हुआ है ये हम लोग पहले वहाँ तक सीन करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे आगे। ये बताओ आगे क्या सीन है सारा।
अब आगे का सीन ये है कि अब हम वॉक करते हुए जा रहे हैं मिशी, उसको मिशी कहते हैं। अच्छा, जो नजफ से करबला आपने देखा होगा अरबाइन पे जो मिशी होती है, वैसे ही जो ज़ायरीन वहाँ नहीं जा सकते वो यहाँ पे, यहाँ से मिशी करके वो करबला गामेशा जाते हैं। अब ऐसी मैं और हैदर हैं, अभी हम यहाँ मिशी करके गामेशा करबला जा रहे हैं। गामेशा के बाद, गामेशा के बाद इंशाल्लाह वहाँ पे हम अपने यहाँ दोबारा न्याज बांटेंगे, चाय बांटेंगे ज़ायरीन को, ठीक है, और उनको बिठाएंगे अब वहाँ पे, और मजलिस होगी एक छोटी सी, फिर इंशाल्लाह उसके बाद ज़ियारत करेंगे, फिर आपको बिठाएंगे। तो मैं जैसे अभी घर आया हूँ नमाज़ पढ़ने, रस्ते यहाँ से हम गुजरे थे मुल्तान रोड से, नानों के घर मेरा यहाँ पर, तुम नमाज़ पढ़ने आए हैं, तो नमाज़ बहुत ज़रूरी है, तो रोड नमाज़ मिस करते हैं, नमाज़ मिस नहीं करनी चाहिए। जो आप कहते हो या हुसैन इमाम हुसैन ने सर अपना क्यों उठाया, सिर्फ इस दीन के लिए, नमाज़ के लिए, तो अगर हम ही नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो मौला के फिर हमें कुछ या ना हो, तो नमाज़ बहुत ज़रूरी है, नमाज़ पढ़ते हैं फिर हम निकलते हैं यहाँ से। सेक्रेटेरिएट के पास और आगे ऑलमोस्ट चाबी सारी बंद हुई है, तो जो हमारा ट्रक है वो पीछे ही उसको पीछे ही रोकेंगे, दैन उसके आगे हम लोग, अगर लेडीज जाएंगी तो पैदल जाएंगी, वरना हम लोग को जाएंगे और अंदर से होके आगे। अभी 7:45 हो रहे हैं और हम बस ऑलमोस्ट अभी सेकंड पे बैठे हुए हैं, और आगे गामेशा अभी थोड़ा सा दूर है अभी, और बट अभी हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं है शायद यहाँ से हम लोग घर निकले या आगे जाएंगे आइडिया नहीं है, बट अगर हम जाएंगे तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, वरना इस ब्लॉक पर ही बजे हमारे चलेंगे। हुसैन के आजादार तैयार रहे, वो वक्त आने वाले। क्या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, तेरा पैगाम होगा सबके दिलों में, होगी जिंदा करबला।